अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि गूगल फेक रिव्यू को कैसे डिटेक्ट करता है। अब देखें, स्टार्टिंग में जब आप एक गूगल में बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं या करवाते हैं तो किसी मकसद के लिए करवाते हैं। वो मकसद कौन सा होता है? आप उसको रैंक करवाएं, उससे कोई बेनिफिट हासिल करें, ठीक है। मतलब है कि बंदा फजूल में तो बिजनेस बनवाने के पैसे खर्च नहीं करता है, उसकी एक दिली तमन्ना होती है कि मैं अपने बिजनेस को रैंक करूंगा, ये लोगों के पास जाएगा सच में, उसके बाद मेरे कस्टमर आएंगे, मुझसे जो है मेरे प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन उसी में वो एक गलती कर जाते हैं रैंक करवाने में, कि पहला जो वो कदम उठाते हैं डायरेक्ट वो ये होता है कि वो उस पर रिव्यू लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखें, इसमें मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के आपके बिजनेस पर कस्टमर इंस्ट्रक्शन आ रहा है जीरो, जीरो इंस्ट्रक्शन के बाद भी आपके रिव्यू आ जाते हैं 2 से 4। अब कस्टमर कोई भी नहीं आ रहा है, रिव्यू आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये तो गूगल डिटेक्ट करेगा। हाँ, अलबत्ता ये इम्पॉसिबल है आपका बिजनेस रैंक कर रहा हो, आपके कस्टमर आ रहे हो, उसके बाद भी आपके रिव्यू ना आ रहे हो, तब जाके आप जो है रिव्यू पोस्ट करवा सकते हैं। लेकिन रिव्यू पोस्ट करवाने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। अक्सर लोग होते हैं डायरेक्ट लिंक दे देते हैं, ये ले मेरा लिंक, ये ले मेरी पेमेंट, मेरे बिजनेस पर आप इतने रिव्यू कर दें। अब ऐसे रिव्यू तो सामने वाला कर देता है, उसको तो आपने पैसे मिल रहे होते हैं, वो क्यों आपको ना बोलेगा कि मैं रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन उसके रिव्यू करने के बाद, आपकी पेमेंट करने के बाद भी गूगल डिटेक्ट कर लेता है। गूगल को इस बात से कोई मकसद नहीं है कि आपने रिव्यू करवाए हैं, उसके लिए आपने पैसे दिए हुए हैं। वो ना आपके पैसों को देखता है, ना सामने वाले के रिव्यू को देखता है, वो देखता है तो आईपी को, किस आईपी से आपके रिव्यू आ रहे हैं। अब मैं आपको एक सैंपल दे देता हूँ। आपका बिजनेस है कराची में, आपका रिव्यू आ रहा है लाहौर से। अब कराची में लाहौर से आपका कोई कस्टमर तो पिज़्ज़ा खाने नहीं आएगा। मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कराची में, आपको रिव्यू मिल रहा है लाहौर से, तो ये तरह सर एक इनऑर्गेनिक काम है। तो इस वजह से जो है गूगल इसको आसानी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। दूसरी बात के जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी मेल की आईपी, जिससे आप रिव्यू कर रहे हैं। अब देखें, कुछ न्यू आईपी की मेल होती है, कोई काफ़ी ओल्ड होती है। अब ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि आप दिन के 4 जीमेल अकाउंट बना लें, 4 जीमेल से आपने बिजनेस पर रिव्यू करने बैठ जाए, ये सरासर नुकसान होगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ क्यों नुकसान होगा। आपने रिव्यू पोस्ट करना है, गूगल ने रिव्यू डिलीट करना है, फिर आपने पोस्ट करना है, गूगल ने डिलीट करना है। इसी चक्कर में आपका बिजनेस या तो विलेट कर जाता है, या फिर जो रिव्यू वाला सेक्शन है वो भी ऑफ हो जाता है, या फिर आपका बिजनेस सस्पेंड हो जाता है। आजकल अक्सर जो मसला आ रहा है आपका जो रिव्यू वाला सेक्शन है, पता नहीं क्या गूगल सिस्टम ऐसा करता है कि आपके बिजनेस पर रिव्यू पोस्ट करने का ऑप्शन भी बंद हो जाता है, रिव्यू नहीं जाता है, ठीक है। तो सरासर इसमें जो है विलेशन आप कर रहे होते हैं। सिर्फ 2 रीज़न मैं आपको बताता हूँ अगर आप अपने बिजनेस पर ऑर्गेनिक रिव्यू पोस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कौन से रीज़न है? पहला ये है कि जिस सिटी में आपका बिजनेस है, अगर आप रिव्यू करवाना चाह रहे हैं तो उसी सिटी से ही करवाएं, ताकि गूगल को भी लगे कि हाँ रिव्यू ऑर्गेनिक आया है। दूसरा, आपकी जीमेल की आईपी जो है वो न्यू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा मेन और इम्पोर्टेंट चीज़, आपके बिजनेस पर अगर कस्टमर इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तभी आप रिव्यू पोस्ट करें। अगर कस्टमर इंस्ट्रक्शन आपके पास नहीं आ रहे हैं तो ये आप सरासर एक बेवकूफ़ी करते हैं कि कस्टमर इंस्ट्रक्शन 0 है और आप उस पर रिव्यू लगा देते हैं। अब सिंपल से अल्फाज में यही बता देता हूँ, आपका बिजनेस सर्चिंग में है ही नहीं, उसके बाद आपके रिव्यू कहाँ से आते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। और यही चीज़ अब देखें, फर्ज करें गूगल है इंसान के बनाया, लेकिन ये इंसान के दिमाग से भी इस टाइम तेज चल रहा है। एक एक चीज़ ये आपकी ऐसे डिटेक्ट करता है जो आपके जहन में नहीं होगी, वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि ये चीज़ जो है आपने गलत की है, और इसी वजह से जो है हम आपका बिजनेस डिसेबल कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। टोटल मैंने 3 तरीके बताए हैं। अगर इन तरीकों से आप रिव्यू पोस्ट करते हैं तो बेहतर मैं भी आपको दे सकता हूँ, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके बाद आपका बिजनेस सस्पेंड हो ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद जानबूझ के एक किस्म का अपने बिजनेस को सस्पेंड की तरफ ले जाते हैं। ना आपका कस्टमर इंस्ट्रक्शन है, ना आपकी कोई जीमेल की सही आईपी है, ना आप अपने सिटी से रिव्यू पोस्ट करवाते हैं, उसके बावजूद भी रिव्यू आ जाते हैं आपके बिजनेस में, गूगल उसको डिलीट करते हैं। टोटल वजह यही बन रही है कि आपका बिजनेस सस्पेंड हो जाता है। बेहतर होगा इन 3 चीज़ों पर अमल करें और अपने बिजनेस को स्टेबल रखें, और कस्टमर इंस्ट्रक्शन जो है आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस सच में है तो आपके पास कोई ना कोई कस्टमर, कोई ना कोई कॉल तो ज़रूर आएगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप रिव्यू लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक सिंपल सा वीडियो मैंने आपको बताया है सिर्फ इसी वजह से
कि मैं अक्सर रिव्यू के बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन लोग भी उन्हीं काम पर शुरू हो गए हैं कि वो लेथ लेके जो है रिव्यू पर लग जाते हैं, फिर बाद में मैसेज कर रहे होते हैं कि मैंने रिव्यू लगाया है, क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा बिजनेस रिलेट कर गया है, मेरा बिजनेस डिसेबल हो गया, वीडियो वेरिफिकेशन पे चला गया, सस्पेंड हो गया, ये वो। तो ये एक गूगल का रूल है कि अगर आप इनऑर्गेनिक काम करेंगे, इनऑर्गेनिक आपकी ट्रैफिक आएगी, वो उसको डिटेक्ट करेगा, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आप सोच समझ कर काम लें, अपने बिजनेस को स्टेबल रखें, अगर आपने बिजनेस वेरीफाई करवाया है तो उससे कोई बेनिफिट हासिल करें, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी पेड मेथड चाहिए, गूगल में बिजनेस का सर्विस चाहिए हो, रिव्यू का मेथड चाहिए हो, हम दे रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट का हमसे कोई वास्ता नहीं है। अगर आप खुद पूरी कर रहे होते हैं तो हमारा मेथड जो है सही रहेगा, अगर आप खुद रिलेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं देता, ठीक है। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।